मैं हूं स्वर्णाली और मैं ला चुकी हूं एक नया व्लॉग लेके वन एंड ओनली मेरे चैनल पे माइंड बटर। तो आज का व्लॉग दिवाली और काली पूजा के बारे में ही है, वो है एपिसोड 2। और आज मैं दिखाने जा रही हूं कि मेन काली पूजा कैसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग बैंगलोर में और दिवाली भी हम लोग कैसे मनाते हैं। और मैंने लास्ट एपिसोड में दिखाया था कैसे हम लोग ने भगवान जी का स्थापित किया, कैसे डेकोरेशंस हुआ और क्या क्या रिचुअल्स होते हैं, बेसिक रिचुअल्स एक पूजा करने के लिए और दिवाली के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे आगे कैसा गया था ये दो दिन। आज का ब्लॉग थोड़ा लंबा जाएगा ज़रूर, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि बहुत कुछ जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे और शायद मैं कुछ हद तक एंटरटेन भी कर पाऊँगी। तो चलिए देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपना घर थोड़ा बहुत सजा लिया है, द फाइनल टच फॉर दिवाली। जो भी बचा कुचा लाइटिंग था मैंने सब कुछ निकाल दिया और मैंने अपना घर को सजा लिया है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि बहुत ज़्यादा ही काम था। दोपहर में हम लोग 2:30 बजे ही घर पे आए, उसके बाद भगवान के लिए भोग खाना वाना बनाना, फिर खुद रेडी होना, अभिश्वरा को रेडी करना, तो टाइम बहुत ही कम था। उसमें ही मैंने कुछ मैनेज कर लिया है। पता नहीं कैसा लग रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा सजाना हुआ था। तो मेन गेट पे है, एक्चुअली पटाखे फोड़ने का परमिशन है तो हम लोग गेट के बाहर आके पटाखे फोड़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हुआ है मेन गेट पटाखे फोड़ते फोड़ते। तो हम लोग यहाँ पे अभी गैदर हुए हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं एज ए दर्शक। तो मेन पटाखे फोड़ रहे हैं अभिजीत और अभिषेक, और यहाँ पे मैं, लोपामुद्रा, आहान और अभिश्वरा और हम लोग सब है, जो लोग हैं दर्शक, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग ने सोचा कि पूजा स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत ये एंजॉय कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं पूजा की तरफ। दिवाली के लिए और भी एपिसोड्स है, और भी वीडियोस आए हुए हैं, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर दे दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा आगे की एपिसोड्स। और मैंने रिसेंटली दुर्गा पूजा का एपिसोड भी मैंने कवर की है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए, देखिए और कमेंट बॉक्स पे बताइएगी कैसा है ब्लॉग और कैसा लग रहा है आपको माइंड बटर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर आप लोग हैं नए इस चैनल पर, और बेल बटन भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा फॉर मोर नोटिफिकेशन फ्रॉम माइंड बटर, और ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और अभी चल रहा है माँ की प्राण प्रतिष्ठा, और जो पूजा का नियम में होता है। तो और भी आगे और भी प्रोसेसेस है तो हम लोग अभी पूजा देखते हैं।
तो अभी चल रहा है आरती, तो मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके पूजा का सब कुछ मैं दिखा पाऊँ, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिपिंग्स मैंने रखा है हर एक चीज़ का, हर एक नियम का। तो अभी आरती चल रहा है, पुष्पांजलि हो चुका है, तो ये देखिए आरती। तो हम लोग का काली पूजा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। अभी 108 दिए जला रहे हैं सब कोई। तो अभी आज के लिए पूजा होने के बाद प्रसाद वितरण और बाकी जो जो थोड़ा बहुत काम था हम लोग ने सब निपटा लिए। तो कल है ट्यूसडे, तो कल मिलते हैं। तो आज है ट्यूसडे और ट्यूसडे आज सुबह से था सूर्य ग्रहण, दोपहर से सूर्य ग्रहण था, तो इसलिए हम लोग का ट्यूसडे शाम को हो रहा है विसर्जन का पूजा। और ट्यूसडे की वजह से आज हम लोग विसर्जन नहीं देंगे, हम लोग विसर्जन देंगे कल सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में। तो अभी चल रहा है पूजा, उसके बाद होगा दोधी कौरमा जो एक रिचुअल है, और उसके बाद सिंदूर दान माँ का बोरोन सब लेडीज़ लोग करेंगे, और सिंदूर खला जो है लास्ट। तो चलिए देखते हैं कैसा गया था ट्यूसडे 25th of October। तो ये एक बहुत ही फेमस रिचुअल है, हर एक पूजा में होता है। तो ये आईना ऐसे तरह के एक एंगल में प्लेस किया जाएगा जहाँ से हम लोग सब लोग माँ का दर्शन कर सकेंगे, माँ का फेस और माँ का पैर दिखे उस आईने में। Thank you.
इसे ग्रीन कलर से देखे बेटा थोड़ा सा बैठ। हाँ तो आप लोग देख सकते हैं कि माँ का बौरन और सिंदूरदान ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये एक बहुत ही फेमस रिचुअल है, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या काली पूजा या लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा, तो कोई भी पूजा में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया था आप लोगों को दशमी के दिन मेरा दुर्गा पूजा व्लॉग में, जिसका लिंक मैं ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। ऐसे ही हम लोग ने किए थे माँ की बौरन, एक एक करके हम लोग ने माँ का बौरन किए, सिंदूर दान किए, मिठाई खिलाए, पानी पिलाए, आरती किए। और ये बहुत एक मैंडेटरी एक रिचुअल है कोई भी पूजा में।
वीडियो अच्छे। तो यहाँ पे सिंदूर खेला स्टार्ट हो गई है माँ का बोरन के बाद, और यहाँ चल रही है बहुत सारा मस्ती। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये एक अलग ही एक मज़ा है, एक अलग ही पीस है। तो सब कुछ हो जाने के बाद, विसर्जन पूजा, सिंदूर खेला, सिंदूर दान, सब कुछ हो जाने के बाद अभी थोड़ा बहुत डांस की टाइम है, और हम लोग अभी कर रहे हैं जिसको बोलते हैं भाषण डांस, नहीं तो धनुषी डांस या कुछ भी आप बोल सकते हो, जिसमें भाग का आवाज़ है और वो आवाज़ की एक अलग ही गूज़बम्प्स देता है, उसके साथ डांस तो बनता ही है। तो आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे मॉर्निंग को अभी विसर्जन की तैयारी चल रही है जैसे कि मैंने कहा था, और अभी सब क्लीनिंग चल रहा है इधर। उसके बाद टेम्पो आएगा और हम लोग पास में ही एक जगह है वहाँ पे करेंगे विसर्जन। तो हम लोग सब आ चुके हैं, अभी सुबह 8 बजे हैं अभी। मन में थोड़ा उदासी है और माँ अभी जा रही है विसर्जन के लिए, और ये व्लॉग भी मैं धीरे धीरे यहीं पे ख़त्म करती हूँ। शायद आप लोगों को पसंद आए हो, मुझे पता है कि व्लॉग शायद थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश की कि मैं सब कुछ दिखा पाऊँ, और मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा मोमेंट्स था मैंने बिताया है इधर। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। कीप गोइंग, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप वॉचिंग माइंड बटर।
কাউন্টারটা ধরো কর্নার ধরো।